के पीछे पड़ती है उसकी जान नहीं चाहती। नहीं आप नहीं पड़ी ना पीछे, तो कोरोना पड़ा। कैफ का खूबसूरत डांस और खूबसूरत परफॉर्मेंस देखेंगे तो यकीनन आपके अंदर कुव्वत हयात मजबूत होगी। वाइटल फोर्स जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही है डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। हम आज शालीमार थिएटर में आए एक मरतबा फिर, शो का टाइम है, आर्टिस्ट ड्रामा कर रहे हैं और इस वक्त जो है ना पब्लिक मुकम्मल तौर पर घबराई हुई है कोरोना से। घबराना भी चाहिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स पूरी दुनिया में फैल से गए हैं और लोग इसलिए घबरा गए हैं, मगर फनकार तबका इसे क्यों नहीं घबरा रहा? फनकारों को किस चीज का हौसला है? फनकार क्यों कोरोना बेनतहा होने के बावजूद फनकार जो है वो अपने काम पर जा रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं? आइए सरफराज विक्की और हमारी खूबसूरत अदाकारा खूबसूरत कैफ के कैबिन में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। ये हमारे पास हमारी खूबसूरत अदाकारा खूबसूरत कैफ जी हैं। खूबसूरत कैफ सर ऐसे कर दो ना सर, ये कैफ जी कैमरे में है, कैमरे में छोड़ दे अपने मोबाइल की, छोड़ दे मोबाइल की जान। आप जिस चीज के पीछे पड़ती है उसकी जान नहीं चाहती। नहीं आप नहीं पड़ी ना पीछे, तो कोरोना पड़ा हुआ। पीछे कोरोना पड़ा हुआ और ये हर जगह पर सरफराज विक्की साहब बिल्कुल ऐसे कोरोना का दौर दौरा है, बिल्कुल जैसे हर चीज का रूज होता है ना, तो इस बेचारे का भी रूज है खत्म हो ही जाना, सवाल आना ही आना है, आना ही आना है इंशाल्लाह। और तो ये सवाल डॉक्टर साहब ऐसे आएगा कि हम लाएंगे इस पे सवाल, क्योंकि हम लोगों को एंटरटेन देंगे, हम लोगों को जहनी तौर पर रिलैक्स करेंगे, उनको हंसाएंगे, उनको एंजॉय करवाएंगे, उनके जहन से बीमारी निकल जाएगी। और इंशाल्लाह कहते हैं मरीज भी हो ना उसको भी आप खुश रखना शुरू कर दो तो उसकी आधी बीमारी खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये इसका इलाज है खुशी, हैप्पी रहना। तो हम करेंगे हैप्पी और हम देंगे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। हाँ, और ये एंटरटेनमेंट से कत्ल होगा कोरोना, कोरोना का कत्ल होगा इंशाल्लाह जरूर होगा। और ये जो लोग घरों में डर कर छुप कर बैठे हुए हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम? हमारा ये पैगाम है कि इधर आओ भैया, यहाँ आकर खुश हो, डर कर छुप कर ना बैठो, हम कोरोना को डस डस करेंगे, मगर एसओपीज के तहत, एसओपीज के तहत करेंगे, ताकि जो है वो अपनी एसओपीज जो है उसका हमने रखना है। जाहिर बात है मास्क यूज करना है, सैनिटाइजर हर चीज करके, लेकिन आए जरूर अपने आप को घर में बंद करेंगे तो उससे जहनी मरीज भी हो जाएंगे। आप आएंगे सुसरे की सरफराज विक्की की खूबसूरत कॉमेडी देखेंगे शालीमार थिएटर में, खूबसूरत कैफ का खूबसूरत डांस और खूबसूरत परफॉर्मेंस देखेंगे तो यकीनन आपके अंदर कुव्वत हयात मजबूत होगी इंशाल्लाह। वाइटल फोर्स जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। कुव्वत हयात जो है कुव्वत हयात से आप मुकाबला कर सकते हैं दुनिया की तकलीफों का, परेशानियों का, दुखों का, बिल्कुल। और कुव्वत हयात का मजबूत लकी डियर साहब आप आ गए हैं, तो आप भी इधर आ जाए, असद मुखड़ा साहब आ जाए। ये लकी डियर साहब है और ये असद मुखड़ा साहब हमारे थिएटर के सुपरस्टार हैं। देख लो जी दो कोजियां दी बेहतरीन जोड़ी है। तो व्यूअर जोड़ी है जी। तो व्यूअर से ये देखिए ना, ये लकी साहब यही गल कर रहे सब पब्लिक के नाल कि कोरोना तो बावजूद एक्टर बड़े जम के काम कर रहे हैं। हां जी सब करना पैंदा, सारी ड्यूटी है, ड्यूटी है। ये बात है, मतलब कसाओ कोरोना मकाओ। डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर अजमल साहब माशाल्लाह क्या बात है इन्हां दी, लाला लाला ते बूबू। थैंक यू। कोरोना में छोटे ने इनकी मोहब्बत है, इनकी मोहब्बतों की मजबूती है कि शोबिज की दुनिया में कोरोना की वो पोजीशन नहीं जो जनरल तबके में। इंशाल्लाह आप भी हमारे पास आए, कुछ नहीं है अभी रबी रबे हमारे पास आए, आप भी हंसे खेले कूदे देखे ड्रामा को इंजॉय, एक शाम हमारे साथ भी गुजारा ना। तो ये कोरोना दूर दूर। थैंक यू व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया। एसओपी के साथ चल रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर।